आज हम कांदा पोहा बनाएंगे। ये बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। इसे आप बहुत जल्द बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे खा लेने के बाद 4 से 5 घंटे भूख नहीं लगते। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पोहा बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पोहा ले लिया है। इसे हम पानी से धो लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं धोना है, बस एक बार धो के निकाल लें। हल्के हाथों से इसे हम इस तरह से मलते हुए और इसके पानी को हम निकाल लेंगे। तो इसके पानी को मैंने निकाल लिया है। अब गैस पे हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए 1 छोटी चम्मच इसमें हम राई डाल देंगे। राई को चटकने देंगे। राई चटकने के बाद इसमें हम मूंगफली डाल देंगे और 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 6 से 7 करी पत्ते डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप मूंगफली डाला है। आप मूंगफली अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मूंगफली को हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे भून लेंगे। इसमें हल्का सा भुनने के बाद इसमें 1 कटा हुआ आलू डाल देंगे। तो आलू को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू को भी हल्का सा हम पकने देंगे। 1 मिनट आलू को भी हम पका लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हम 2 चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। तो प्याज आप इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे आपके पोहे जो है वो उतना टेस्टी बनेगा। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हल्का सा पकाना है। प्याज को मैंने हल्का सा पका लिया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1/2 छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय लो रखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, बहुत कम, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना डालें। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे पोहा। हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो बहुत हल्के हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे। पोहा को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम डाल देंगे नमक। तो 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालें। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। 1 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे। घी ऑप्शनल है, लेकिन घी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हल्के हाथों से 1 मिनट इसे हम पकाएंगे मिलाते हुए। गैस का फ्लेम लो ही रखें। एक मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। चीनी भी यहाँ अच्छी तरह से घुल गया है इसमें। तो गैस को बंद करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और टेस्टी टेस्टी पोहा बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं और लीजिए टेस्टी टेस्टी झटपट से बनने वाली कांदा पोहा बनकर तैयार है। तो जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाओ, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई नमकीन डालेंगे, कोई भी आप नमकीन इस पे जो भी आपको पसंद हो वो इसके ऊपर डाल के फिर इसे सर्व करें। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।